अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके बिन बुलाए आने की वजह जान सकते हैं हम? बेटियों के बाप लड़के वालों को पैगाम भेजकर कहां बुलाया करते हैं? मतलब ये काजी साहब कि हम आपकी बेटी जारा के लिए अपने बेटे कबीर का रिश्ता लेकर आए हैं। और हम भी अपने बेटे के लिए अपने ही दर्जे का कोई खानदान ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी बेटी जारा हमारे घर की दुल्हन बने। वैसे काजी साहब, यकीन मानिएगा, ये ख्याल हमारे जहन में पहले कई बार आया, मगर हर बार हमने अपने आप को रोक लिया ये याद दिलवाकर कि हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए। अरे काजी साहब कहां, हम कहां, उनका दर्जा तो हमसे कहीं ज्यादा ऊंचा है, उनका रुतबा हमसे कहीं ज्यादा बुलंद है, मगर लगता है हम तो गलत थे। आप तो काफी कमीने किस्म के आदमी निकले। उस दिन जब आप हमारे घर आए, काफी गुस्से में लग रहे थे। आपको ठीक से देखने का मौका ही नहीं मिला। माशाल्लाह, आप तो निहायत ही प्यारी बेटी हैं। आप हमसे नाराज हैं क्या? आपके शौहर ने हमारी बेटी की तस्वीर अखबार में छपवा दी। हमारे शौहर का सुकून और चैन दोनों छीन लिया। उसके बावजूद भी हमें नाराज होने का हक भी नहीं। आपको नाराज होने का पूरा हक है। आपकी जगह हम भी होते तो हम भी इसी तरह नाराज होते। हमें पूरी बात तो नहीं मालूम, लेकिन चाहे वो आपके शौहर हो या हमारे, ईमान वाली बात तो ये है कि इन लोगों को अपने सियासी मामलों में घर वालों को नहीं घसीटना चाहिए। काजी साहब, सियासत में आप हमसे कहीं आगे निकले। आपकी इज्जत हमारी निगाहों में कई गुना बढ़ गई। और इसलिए हम चाहते हैं कि जारा सिद्दीकी वल्द इरफान सिद्दीकी का निकाह कबीर अहमद वल्द शहबाज अली अहमद के साथ हो। निकाह कबूल है आपको? जो कुछ भी हुआ वो अगर ना होता तो बेहतर होता। खैर, हमें अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, एक दिन हमारी बेटी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता आएगा। यकीनन। एक कप और बना देंगी बेटा? जी। आप हमारे मेहमान हैं शहबाज अहमद, वरना आप भी जानते हैं कि हम इस शहर के शहर काजी हैं। हमारी एक आवाज पर लोग आपको इस घर से ही नहीं, इस शहर से भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। इसलिए हमारा आपको एक मशवरा है शहबाज अहमद कि आप ये चाय पीजिए और अपने घर तशरीफ ले जाइए। वैसे आप धमकियों पे उतर आए काजी साहब? फरिश्ते से
इंसान बनना मुबारक हो आपको। ये मर्दों की सियासत मर्द ही जाने, लेकिन आज हम औरतें तय करेंगी कि हमारा रिश्ता हमेशा से अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमेशा खुश रहो बेटा। अगर आपकी निगाह हमारी काजियत पर है तो अपने जीते जी हम आपको या आपके किसी भी आदमी को काजी नहीं बनने देंगे। के कहने का मतलब तो फिर चलते हैं, मगर हमने जो कहा था आपसे उस पर और जरूर फरमाइएगा।